भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में भाजपा ने 184 नाम शामिल किए हैं। सूची में राजस्थान की 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसमें जयपुर ग्रामीण से एक बार फिर से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर राज्यवर्धन ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा के पिछले 5 सालों में विकास के कई काम किए हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं हुए। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार, पेयजल, परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन समुचित विकास अभी भी नहीं हो सका है, जिसे अब आगामी कार्यकाल में भाजपा सरकार पूरा करेगी। और मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि वो क्षेत्र के विकास को देखते हुए पुनः भाजपा को सत्ता में लाने का काम करेगी। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार की लिस्ट में जयपुर ग्रामीण से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को एक बार पुनः मौका दिया गया है। हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है। सर, किस प्रकार इस जिम्मेदारी को पुनः निभाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, देश की तरक्की के लिए और देश के निर्माण के लिए अगर आपको अवसर मिलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। विश्व की आज जो सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक इतनी बड़ी पार्टी और जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री दिए और देश का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट की स्पीड और डेवलपमेंट का तरीका 5 साल में एक बिल्कुल बदल के रख दिया, एक ऐसी पार्टी में अगर आपको मौका मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, सारी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ जयपुर ग्रामीण के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनकी मजबूती से कहीं ना कहीं मेरा काम दिख पाया, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जयपुर ग्रामीण के जो निवासी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके स्नेह और प्यार की वजह से ये मजबूती केंद्र तक दिखाई दे रही है, इसीलिए मेरा नाम पहली लिस्ट में आ पाया। तो इस बार वोट मांगने में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच में? देखिए, जितना भी हमने काम करा, हमने नौजवानों को मजबूती के लिए काम करा, उनके रोजगार की तरफ, उनके हुनर उनके हाथों तक पहुँचाने के लिए, उनके स्कूलों के लिए हमने खास तौर से काम करा, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काम करा और आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस डेवलपमेंट को हमें और आगे लेके जाना है, ये ख़त्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि 5 साल में हमने ऐसा नहीं कि काम कर दिया, हमें और काम है, काम किया लेकिन हमें और काम करना है उसी दिशा में। जो दिशा हमने ली है वो दिशा अपने आप में बिल्कुल सही है। तो बिचौलिए खत्म कर दिए, देश का जो पैसा है वो देश का पैसा गांव गरीब तक आज पहुंच रहा है, आज एक विश्वास है नागरिकों के अंदर कि हाँ देश की सरकार काम कर सकती है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसको हमें और आगे लेके जाना है। जयपुर ग्रामीण में पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या के ऊपर खूब काम करना है, नदी से नदी जोड़ने की जो परियोजना है उसके चलते और तरीकों से पानी जयपुर ग्रामीण तक लाकर हर गाँव तक पानी पहुँचाने का, और महिलाओं और बेटियों के लिए एक अवसर बन पाए आगे अपनी आर्थिक मजबूती करने का, उस पर काम करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के अनुपात में इस बार किस प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती है? मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में जो मोदी जी की सरकार ने काम करा उससे सभी लोगों में एक विश्वास जगा है और आज हर गाँव तक काम से भी और देश की मजबूती से भी आज हर व्यक्ति यही कहता है कि मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। असंभव को संभव बनाना ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी सरकार ने करके दिखाया, तो मुझे नहीं लगता कि चुनौती ज़्यादा होगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सदियों से देश को तोड़ने वाले भी लगे रहते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है देश के जोड़ने वाले ज़्यादा हैं वनस्पति की देश को तोड़ने वालों से। युवाओं का एक पहले से आप आयना थे और ऐसे में जयपुर ग्रामीण से का बड़ी संख्या में इनकी युवा भी इनकी वोट बैंक है, तो उस प्रकार इसको देखते हुए किस प्रकार की इनकी उनके सामने बात रखी जाएगी वोट को लेकर? नौजवानों को जब भी मैं देखता हूँ और खासतौर से ग्रामीण नौजवानों को, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपनी छवि दिखाई देती है। मैंने भी अपना जीवन गाँव से शुरू करा था, अवसर मिले तो ये क्या नहीं कर सकते, इनके मन में वही जज्बा है, इनके बाजुओं में उतनी ही ताकत है जो विश्व के कहीं और जो नौजवान रहते हों उनमें हो। ये अवसर और ये विश्वास ये हमें वहाँ तक पहुँचाना है। नौजवानों के साथ मेरा कनेक्ट अच्छा है, मुझे उनको देखते ही एक
एक ऊर्जा मेरे में आ जाती है, तो मुझे यकीन है कि उन सब का स्नेह उनके बड़े भाई के साथ रहेगा। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनको बीजेपी ने एक बार पुनः जयपुर ग्रामीण सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। जयपुर से रंजीत शर्मा के साथ लोकेश शोला एवन टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।